हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं, जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कलयुग ऐसा चिन्ह जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र चार अवधियों में चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। कर्म धर्म का तराजू, इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म होती जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। पवित्र त्रिदेव की तस्वीर, हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएं। कलयुग समय चक्र, बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसीलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब इसका संकेत भी है। जीवन काल छोटा होगा, इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। कल्कि का अवतार होगा। ब्रह्मा और विष्णु पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ये सृष्टि नफरत और भयानक कृतियों से लिप्त हो जाएगी। इस तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर जन्म लेंगे। भावनाएं मर जाएंगी। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी रहस्यमय तरह से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी के भीतर भावनाएं नहीं रह जाएंगी। माँ, बाप, गुरु, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। पैसे का मोह बढ़ जाएगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उसके लिए वो किसी का भी खून करने को तैयार हो जाएंगे। गंगा नदी उल्टी बहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहलहा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे तक एक दूसरे के विनाश का कारण बनने लगेंगे। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आतंकवाद बढ़ता जाएगा। आतंकवाद अपनी चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वो 1000 हाथी के जोड़े से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आजाद कराने में 3 दिन का वक्त लेंगे। सूर्य उगेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी, जिसके बाद 12 सूरज उगेंगे और तब तक चमकेंगे जब तक
वो धरती का सारा पानी सोख नहीं लेते। यहाँ 12 सूर्यों का मतलब पृथ्वी के बढ़ते तापमान से लिया जा सकता है। कि क्या आप बता सकते हैं कि कलयुग में जन्म लेने वाले भगवान नर होंगे या नारी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।